वहां पर रामायण जब बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है सेट पे, तो मतलब ऐसा भक्ति भाव का माहौल बनता है, ऐसा वातावरण होता है कि वाकई में जो है वो चारों तरफ प्रभु का नाम लिया जा रहा है, तो वो राममय हो जाता है, अपने आप हो जाता है। यू आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दैट वर्ल्ड ऑन योर ओन। सो दैट्स एन अमेजिंग फीलिंग, दैट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। मुकुट है 10-12 किलो का, सर्दी है, गर्मी है, दिए जल रहे हैं तो गर्मी हो गई, बाहर आए ठंड हो गई, ज्वेलरी है, दिस दैट। आरव जी, टेलीबाइट से आपका स्वागत है। कैसे आप? बहुत अच्छा, धन्यवाद, थैंक फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन आपके नए शो के लिए। यू। क्या कुछ आप शेयर करना चाहेंगे शो के शूटिंग के दौरान की कुछ मूवमेंट्स वगैरह क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? नववर्ष की जो शुभारंभ है, नववर्ष का पहली तारीख से इस साल की शुरुआत जो है वो श्रीमद् रामायण के साथ हुई। इससे अधिक अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। और पहले दिन का जब एपिसोड आया, तो उसी समय 5-10 मिनट के अंदर ही, जब हम लॉन्च में एपिसोड देख रहे थे, तो लोगों के फोन आने लग गए कि हमने देखा और बहुत कमाल का लगा। तो तब से लेकर अब तक सभी तरफ से जो है बहुत प्रेम मिल रहा है, और पीपल आर राइटिंग टू मी डीएम्स और इंस्टाग्राम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, फ्रॉम द कंट्री। सो मेनी पीपल आर राइटिंग और रोज लिख रहे हैं, प्रतिदिन लिख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। रेगुलर शो एंड दिस वन, द डिफरेंस इज देयर इज लॉट ऑफ नॉट ओनली फिजिकल वर्क, इमोशनल वर्क। इट्स मच मोर, इट बिकम्स मच मोर डिफिकल्ट बिकॉज सर्दी है, तो सर्दी में कुछ भी नहीं पहन रखा, सिर्फ ज्वेलरी है ऊपर। 10-15 किलो का आपने मुकुट लगा रखा है, जिसे मैं हेलमेट बोलता हूँ, और ज्वेलरी जो है वो आपको रोज, अभी तो निशान मिट गए बट कटे छटे होते हैं, पाँव में भी लगी हुई है चोटें, दिखा सकता हूँ आपको। प्रतिदिन की दिनचर्या में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ, कभी घोड़े ने दुलत्ती मार दी, कभी एक दिन जो है रथ खींचते समय जो है घोड़ा गिर गया, फिर एक दिन एक ऐसा सीन था जिसमें, जो आपने सामने देखा भी है, कि वो रथ जो महाराज दशरथ को और कैकेयी को लेके जाता है अयोध्या में, जिसको दो घोड़े खींच रहे हैं। तो एक दिन एक सीन था जिसमें पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए महाराज दशरथ जो है अपने जमाता को लेके आते हैं, उस रथ को वो स्वयं हाथ से खींच रहे हैं। तो पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक मल्टीपल शॉट्स हुए हैं उसके, जो स्क्रीन पे आपको थोड़ा ही समय दिखता है आपको स्क्रीन टाइम में, लेकिन उसको मैंने निरंतर सुबह से लेकर लंच टाइम तक उस रथ को मैंने खींचा है नंगे पांव अपने हाथों से। उसमें इतनी शक्ति लगती है वो, और फिर लंच टाइम के बाद में फिर से दोबारा से शॉट शुरू हुआ, और फिर से वो शाम तक वो मैंने किया। तो फिजिकली इट्स अ टास्क, यू हैव टू हैव द स्ट्रेंथ एंड इमोशनली ऑफ कोर्स एज अ परफॉर्मर यू हैव टू परफॉर्म। मुंबई से उमरगांव ट्रैवल करना, फिर उमरगांव से मुंबई आना, कितना डिफिकल्ट रहता है ये ट्रैवलिंग आपके लिए? नहीं, मैं उमरगांव में ही रहता हूँ, जब शूटिंग है तो मैं वहीं रहता हूँ। पॉसिबल नहीं है क्योंकि मिनिमम 2.5 घंटे से 3 घंटे की ड्राइव है, तो 6 घंटे आने जाने में लग जाएंगे। मैं शूटिंग करता हूँ 12 घंटा 13-15 घंटे, उसके बाद समय नहीं है कि मैं ट्रैवल कर सकूँ, तो आई स्टे देयर ओनली। यू नो 22 जनवरी को राम मंदिर की उद्घाटन करेंगे, और यू नो ऐसे टाइम पे आपका शो आया है जो जहाँ पे यू नो शो की पॉपुलैरिटी कुछ ज्यादा बढ़ सकती है, तो क्या ये मेकर्स का प्लान था कि इसी समय हमें शो को लाना है जब राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, या फिर कोइंसिडेंसली शो जो है इस महीने में आया है? इस प्रश्न का उत्तर तो या तो मेकर्स दे सकते हैं या चैनल दे सकता है, मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल भी कोई ज्ञान नहीं है। मुझे उन्होंने तकरीबन 1-2 महीना पहले शूटिंग से मुझे बुलाया, मुझे कहा कि हम रामायण बना रहे हैं। महाभारत मैंने इन्हीं मेकर के साथ किया था, उसको 10 साल हो गए, 10 साल से लेकर अभी तक मैंने उनके साथ कुछ भी नहीं किया। तो दे कॉल्ड मी एंड दे सेड वी आर मेकिंग दिस एंड दिस इज द रोल यू वांट, वी वांट यू टू प्ले, एंड
आई एम डूइंग इट। बाकी हाँ, ये प्रत्येक भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है। मेरा सौभाग्य है कि मैं महाभारत के उपरांत रामायण कर रहा हूँ। भारतवर्ष के दो ही महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण, दोनों का हिस्सा हूँ। इसलिए मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ और प्रत्येक भारतीय के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि राम मंदिर का उद्घाटन जो है वो हो रहा है। तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग फॉर एवरीवन। ओके, आपकी कैरेक्टर की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि लोग जो है जैसा कैरेक्टर आप स्क्रीन पे प्ले कर रहे हैं, ऑफ स्क्रीन भी लोग आपको उस चीज में मानने लग जाते हैं। तो जब से आपने कैरेक्टर प्ले किया है, क्या कुछ रिस्पॉन्स आया है ऑडियंस का, फैंस का? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जैसा मैंने कहा कि तब से लेके अब तक मुझे रोज डीएम्स आ रहे हैं, लोग लिख रहे हैं कि महाभारत के उपरांत हम आपको इस रोल में देख रहे हैं, इस किरदार में देख रहे हैं, तो हमें बहुत आनंद आ रहा है। उन्हें भीष्म का किरदार बहुत पसंद आया था और अब ये भी उतना ही प्यार दे रहे हैं, इतना ही पसंद आ रहा है। तो या इट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीबॉडी। टॉकिंग अबाउट अदर स्टार कास्ट, उनके साथ बॉन्डिंग के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? सेट पे कैसा माहौल होता है आप सभी के बीच में? देखिए, प्रत्येक दिन जो हम काम करते हैं वो वैसे ही बहुत कठिन होता है। उसमें जैसा मैंने आपको बताया, मुकुट है 10-12 किलो का, सर्दी है, गर्मी है, दिए जल रहे हैं तो गर्मी हो गई, बाहर आए ठंड हो गई, ज्वेलरी है, दिस दैट। 12 घंटे तक आपको, और स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द इनिशियल एपिसोड्स, सो द फर्स्ट फुल मंथ ऐसा था कि मैं 3-3, 4-4 यूनिट पे, क्योंकि वो महाराज दशरथ की कहानी है और 1 घंटे के एपिसोड्स हैं, तो 4 यूनिट लगेंगे, आप सोचिए। तो मैंने, और हर यूनिट के अंदर में महाराज दशरथ की आवश्यकता है, बाकी एक्टर्स उस एक यूनिट में काम कर रहे हैं, मैंने ये खत्म किया सीन, उसके बाद में मैं भाग के दूसरी यूनिट में गया, वहां मैंने वो शूट किया। तो ये होता है, तो इसलिए मेरा ये प्रयास रहता है कि हम आनंद लेते रहे और मस्ती करते रहे। तो मैं तो सेट पे बहुत मस्ती करता हूँ सबके साथ में, और हम मस्ती खेलते रहते हैं, बहुत मजा आता है। पहले महाभारत, अब रामायण, अगर हम बात करें अपार्ट फ्रॉम दिस कोई रियलिटी शोज के बारे में, तो आपने रियलिटी शोज की तरफ आपका क्या रुख है, आप कौन सा रियलिटी शो करना पसंद करेंगे? देखिए, मुझे रियलिटी शोज का इतना पता नहीं है। मैं अभिनय करता हूँ और अभिनय करने में ही मुझे आनंद आता है। बट वेन वी टॉक अबाउट रियलिटी शोज, देन यस, आई इफ आई एम अप्रोच्ड फॉर खतरों के खिलाड़ी, देन that is something that is that would excite me. Okay, and what about Big Boss? Big Boss, आप कितना follow कर रहे हैं या फिर कोई season देखा होगा? Big Boss देखा था, काफी पहले वाले shows देखे थे मैंने, जिसमें सिद्धू जी थे, जिसमें मीका सिंह और बाकी लोग थे, बिंदु तारा सिंह जिसमें मिलर थे, वो सब देखे थे मैंने। उसके बाद कुछ मुझे याद नहीं है, 2-3 सीजन पहले उन्होंने मुझे बुलाया था, पर मैं ऐसे ही उनके ऑफिस में जाके हाथ जोड़ के मैंने उनसे क्षमा प्रार्थना की कि भाई साहब, ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं लड़ाई झगड़ा करूं किसी के साथ, कोई मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करे, गाली गलौच हो, तो वो दैट्स नॉट मी, व्यक्तित्व ही नहीं है वो। ओके, इस सीजन को भी आप बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे बिग बॉस के? नहीं, मैंने तो एक एपिसोड भी नहीं देखा क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं है। मैं तो जैसा मैंने बताया 12-13-15 घंटे शूट कर रहा हूँ, सो आई एम नॉट एबल टू वॉच टेलीविजन एट ऑल, मैं टीवी ऑन ही नहीं कर पाता हूँ। ओके, बहुत सारे एक्टर्स के साथ ऐसा होता है कि आप जो ऑन स्क्रीन कैरेक्टर प्ले कर रहे हो और वैसा ही आपका कहीं ना कहीं बिहेवियर ऑफ स्क्रीन भी होने लगता है, तो रामायण शो करने के बाद आपके लाइफ में कितने कुछ चेंजेस आ रहे हैं या फिर जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं उससे क्या कुछ आप सीख रहे हैं? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि मैं हमेशा से ही हनुमान भक्त हूँ, कृष्ण भक्त हूँ, मैं पूजा अर्चना प्रत्येक दिन करता हूँ, प्रतिदिन करता हूँ, है ना। और दूसरी चीज ये कि आई एम वन ऑफ दोज एक्टर्स हु डजंट रियली बिलीव इन मेथड, कि आप एक कैरेक्टर कर रहे हैं तो आप 3 महीने तक उसी में घुसे रहे हैं। व्हेन द कैमरा रोल्स एंड द डायरेक्टर सेज रोलिंग, टिल देन आई एम आरव चौधरी। रोल की लाइटिंग चल रही ना, तब भी मैं मस्ती करते रहता हूँ, भाई साहब क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो आप, मैं कैमरामैन से मस्ती करते रहता हूँ। जैसे ही एक्शन हुआ मैं दशरथ बन जाऊंगा, कट हुआ, हाँ भाई सब ठीक है। तो मैं
क्योंकि मैं तो हीरो भी प्ले करता हूँ, मैं विलेन भी प्ले करता हूँ, तो मैं उस कैरेक्टर को कभी भी अपने साथ नहीं रखता हूँ। मैंने जैसे ही एक्शन और कट के बीच में मैं वो किरदार हूँ, वो खत्म हुआ तो बस उसी वक्त मैं वहां ही खत्म कर देता हूँ। मैं उसको लेके गाड़ी में भी नहीं बैठता। अब बात आई कि इन्फ्लुएंस की, तो आप जीवन में जो भी किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कोई भी जो गुण है वो आप अपने आप में समाहित करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे भीष्म के कुछ गुण थे जो मुझे मुझे लगे कि अच्छे हैं, मुझे कुछ समानता भी लगी, वैसे ही महाराज दशरथ जो है, वहां पर रामायण जब बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है सेट पे, तो मतलब ऐसा भक्ति भाव का माहौल बनता है, ऐसा वातावरण होता है कि वाकई में जो है वो चारों तरफ प्रभु का नाम लिया जा रहा है, तो वो राममय हो जाता है, अपने आप हो जाता है। यू आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दैट वर्ल्ड ऑन योर ओन। सो दैट्स एन अमेजिंग फीलिंग, दैट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। आपका कोई ड्रीम कैरेक्टर जो आप ऑन स्क्रीन प्ले करना चाहेंगे इन फ्यूचर, अगर आपको चांस मिलता है तो, कोई ऐसा ड्रीम कैरेक्टर? ऐसा कोई पर्टिकुलर रोल तो नहीं है, बट आई वुड लव टू डू अ लॉट ऑफ कॉमेडी। मैंने इन रीसेंट टाइम्स सिर्फ हाउसफुल 3 की थी, आई वाज अ पार्ट ऑफ हाउसफुल 3 व्हिच वाज अ कॉमेडी, बट आउट एंड आउट कॉमेडी जैसे पड़ोसन है या जाने भी दो यारो है, यू नो, अंदाज अपना अपना है, दीज आर माय ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स। तो ऐसी कोई फिल्म जिसमें कॉमेडी हो, तो आई वुड लव टू डू दैट। लास्टली, अपने दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहेंगे जो आपको इतना प्यार दे रहे हैं, आपके कैरेक्टर को, दशरथ को इतना प्यार दे रहे हैं, उन लोगों को कोई मैसेज? आप लोगों ने मुझे इतना पसंद किया, मेरे किरदार के बारे में इतना कुछ लिखा है, इतना प्यार दिया, इतना सराहा, इसके लिए मैं आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। थैंक यू। Serials on sets to personal interviews and fun segments with actors. Subscribe to Telebytes right away.